हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस क्लास में हम हिंदी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछे गए थे। तो देखते हैं कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि ससक का पर्यावाची शब्द है, यानी ससक का पर्यावाची शब्द कौन सा है? खरगोश है, चंद्रमा है, शिशु है या मृग है? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि खरगोश क्या है, ससक का पर्यावाची है। ससक का मतलब होता है खरगोश, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना? तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो होता है अवसरवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य का पर्यावाची नहीं है, यानी चार दिए गए हैं, इनमें से तीन सूर्य का पर्यावाची है लेकिन एक सूर्य का पर्यावाची नहीं है, वही आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास भास्कर, मयंक, दिवाकर या सविता। तो हम सभी जानते हैं कि भास्कर सूर्य का पर्यावाची है, दिवाकर भी है, सविता भी है, लेकिन मयंक आपका सूर्य का पर्यावाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यावाची है। तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक या प्रति प्लस एक? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ संधि पूछ लेता कि कौन सी संधि है, तो यहाँ आपका कौन सा संधि हो जाता है? यहाँ आपका यड़ संधि हो जाता, क्योंकि यहाँ ई और ए मिलकर क्या बन रहे हैं, या बन रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाता ई प्लस ई प्लस ए, यानी या बन जाता और ए की मात्रा लग जाती, तो प्रति प्लस एक मतलब प्रत्येक बन गया है। तो यहाँ आपका यड़ संधि हो जाएगा, यानी यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शास्त्र जानता है उसे हम क्या कहेंगे? जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या शास्त्र ज्ञाता? तो राइट ऑप्शन बताइए कि जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शास्त्र जानता है उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाएगा कौन सा? पौराणिक। पुराण में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा पौराणिक, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऋणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया? तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 57 नंबर का क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि मीठा जो विशेषण है उसमें भाववाचक संज्ञा बनती है किससे? मिठापा से, मिठास से, मिठाई या मिठास? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर डी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है मिठास, यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आया है ये अनिश्चित है। कोई वर्ड क्या है? अनिश्चित है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट या मारपीट? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि प्रतिदिन ये तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा और मारपीट ये भी आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा, लेकिन पथभ्रष्ट अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसका हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, और से आपका जो आता है वो किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है, तो पथ भ्रष्ट आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? भवदी, स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र या शुभचिंतक? यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रार्थना पत्र के समापन में लिखा जाता है भवदी, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, बिहारी या कबीरदास? तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो कबीरदास जी थे वो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो हमें पता है पावक और अग्नि क्या है, पर्यावाची हैं एक दूसरे के, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शोक किस रस का स्थाई भाव है, रौद्र का, वात्सल्य का, करुण का या वीर का। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शोक किस रस का स्थाई भाव है, करुण रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि वह विद्यार्थी नहीं आया, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है अग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, विघ, अनग, सर्वज्ञ या सघग। तो यहाँ अग का विपरीत हो जाएगा विघ, ये ऑप्शन सही है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, सौरंग, बहुरंग, सबरंग या अंतरंग। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहिरंग का जो विलोम शब्द है वो है अंतरंग। इस क्वेश्चन फोकस करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि एक में अपादान कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी इन वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा वाक्य है। तो आप रीड करके बताइए, अगर मैं रीड करूंगी तो टाइम लगेगा, तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। इसमें अपादान कारक यूज हो रहा है, विभक्ति चिन्ह का यूज हो रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, सुफीत, सौफीत, स्फीत या फुर्ती। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो फुर्ती है वो स्फूर्ति शब्द का क्या है, तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुरंग शब्द का पर्यावाची शब्द बताइए, ससह, वाज, कुरंग, शार्दूल। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तुरंग, घोड़ा, वाजी ये सब क्या है, एक दूसरे का पर्यावाची है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है, रस्सा, सूद, धागा या डोर। तो कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है, डोर। डोर क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से पूछ रहा है कि एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि राम सो रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त या 14 नवंबर। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंदी दिवस मनाने की जो तिथि है वो है 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए आपसे उच्चारण स्थान पूछा गया है कि छ के बारे में सही नहीं है, यानी सही नहीं है, तीन सही है, एक क्या है गलत है, तो वही आपको ढूंढना है। छ क्या है, च वर्ग से रिलेटेड है, छ क्या है तालव ध्वनि है, तो ये सही है, लेकिन का ध्वनि खंड उसके बाद पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनि है, तो ये छ दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा, चौथा और छठवां स्थान पे जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण ध्वनि कहलाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है अघोष ध्वनि है, तो अघोष नहीं है, ये सघोष है, नहीं सॉरी, ये अघोष ध्वनि ही है, पहला दूसरा क्या होते हैं अघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा आपके सघोष होते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन कंठ ध्वनि है ये गलत है, छह कंठ ध्वनि है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छह आपका कंठ ध्वनि नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं से पूछ रहा है भवानी का पुल्लिंग कौन सा है, भवदेव, भवन, देव या भव। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भव, भवानी का पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 5, 3, 4 या 2। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। हिंदी शब्द समूह को उत्पत्ति की दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या दुसाध्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
जो कठिनाई से प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। तभी कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है, क्यों? क्योंकि इसे कठिनाई से प्राप्त, इसे मतलब आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, फिर यहाँ क्या उच्चारण स्थान पूछ लिया गया है। उच्चारण स्थान से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वहां से भी नहीं मिलता तो आप चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, हिंदी सीरीज में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, चावर्ग, टावर्ग, कावर्ग या यावर्ग। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अंतस्थ व्यंजन है वो यावर्ग के कहलाते हैं, य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। चावर्ग क्या है, तालु से है, कावर्ग कंठ से रिलेटेड होते हैं और टावर्ग जो होते हैं वो मूर्धा से रिलेटेड होते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब पूछ रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, अस्तित्व, थकावट, बेईमान या हरियाली। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बेईमान क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं, से पूछा है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, बहुत, नरम, ईमानदार या सुगंधित। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि जो आपका बहुत है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पावक, अनल, वन ही या अमी। तो ये तीनों तो अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सूत शब्द का तत्सम शब्द है, पीटना, धागा, सूत्र या नीच। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है कि सूत शब्द का जो तत्सम शब्द है वो है सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या है, आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक या भौतिक। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा कि आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा भौतिक। इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो, क्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपका फ्रेंड उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसकी उन्नति पर आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, यानी उज्ज्वल का शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है ये एकदम सही हो जाएगा, उज्ज्वल, ये इस तरह जब हम लिखते हैं तो ये राइट वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य प्रकार बताइए कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो 88 नंबर का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट जाते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी जो नीर वर्ड यूज हुआ है इसके स्थान पर सही वर्ड का प्रयोग करना है हमें, तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नीड, अपने अपने नीड यानी अपने अपने घोंसले को वापस लौट जाते हैं, तो यहाँ सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी अशुद्ध आपको बताना है, विशिष्ट, प्रतिज्ञा, कृतज्ञ या शुष्क। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो विशिष्ट लिखा है ये विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट ट होता है, यानी यहाँ ट यूज होगा तब ये वर्ड शुद्ध होगा, बाकी सब वर्ड सही हैं, बस यही गलत था, तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बताए, ऑप्शन है दुरु, दुरुप, दुरु या दु। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो दुरुपयोग में है इस उपसर्ग का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन पूछा है धर्वावलंबी पद किस प्रकार निर्मित है, धर्म, धर्म प्लस अवलंबी, धर्मा प्लस अव प्लस लंबी, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई या धर्मा प्लस वलंबी। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई से बनेगा धर्मावलंबी, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, लगान, आना, आन बान या आनंद। तो लगान में आपका आन प्रत्यय से ये शब्द बना हुआ है, लग प्लस आन यानी लगान, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस क्वेश्चन पूछ रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? यानी लाठी और भैंस क्या है, संज्ञा है, लेकिन जिसकी और उसकी क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम। ये दोनों जो जिसकी और उसकी है ये क्या है? सर्वनाम है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? काली माँ, कलूटा, काली या कालापन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काली, यानी लाल से बनता है लाली तो काला से बनेगा काली, सिंपल सी बात है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोना का सकर्मक रूप कौन सा होगा? रुलाना, कोई नहीं, रोता या रुला? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि रोना का जो सकर्मक रूप होगा वो कौन सा हो जाएगा? रुलाना। गलत टिक हो गया है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि रोना का सकर्मक रूप होगा रुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो हम कहते नहीं हम इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, तो आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि खडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? खड प्लस आनन, खडा प्लस नन, खट प्लस आनन या खट प्लस आनन? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खट प्लस आनन इसका शुद्ध सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ कौन सा संधि लगेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाकर गाकर क्रियाओं को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। गाकर खाकर क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए, उसके अंग भंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। यानी ये जो उसके अंग अंग सजाए गए ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी सब वर्ड जो है, स्टेटमेंट जो है, वो सभी शुद्ध है। ये बस यही एक स्टेटमेंट ऐसा था, यही एक आपका वाक्य ऐसा था जो अशुद्ध था, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल हिंदी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो 2018 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो आपको इसकी सीरीज भी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, जरूर से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन सीरीज जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो भी आप जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप ये सीरीज पूरी देख लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आप अच्छे मार्क्स क्या है कंटेन कर पाएंगे एग्जाम में, अच्छे गेन कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।